दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत के लोगों को थाईलैंड जाना बहुत पसंद है। कोई घूमने जाता है तो कोई किसी और कारण से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय थाईलैंड जाना इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? आखिर ऐसा क्या है थाईलैंड में? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज हम आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देने वाले हैं कि आखिर भारतीय लोग थाईलैंड को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। दोस्तों, थाईलैंड फॉरेन टूरिस्ट से पैसा कमाने के मामले में इस साल फ्रांस को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आए हैं और दुनिया के तीसरे देश बन गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिसर्च के मुताबिक थाईलैंड को इस मुकाम पर भारतीयों ने लाया है। अब ये गर्व की बात है या फिर शर्म की, ये हमें नहीं पता। लेकिन 2017 में थाईलैंड को टूरिस्ट से 58 अरब डॉलर की कमाई हुई थी। इस साल 3.5 करोड़ टूरिस्ट थाईलैंड आए थे। यही ग्रोथ रही तो 5 सालों के अंदर थाईलैंड स्पेन को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर अपना मुकाम जमा लेगा और फिर अमेरिका ही उससे आगे रह जाएगा। टूरिस्ट इंडस्ट्री थाईलैंड के लिए सबसे लाभकारी साबित हो रहा है। 2018 के पहले 6 महीने में थाईलैंड की GDP में टूरिस्ट इंडस्ट्री का योगदान 12.4% था। ये थाईलैंड के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बराबर था। द वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिस्ट काउंसिल का कहना है कि थाईलैंड की GDP में घरेलू और विदेशी लोगों का योगदान 21.2% का रहा था। थाईलैंड की टूरिस्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे भारत का है। भारत के बाद चाइना का इसमें योगदान देखा गया है। चाइना के कई ऐसे एयरपोर्ट है जहाँ से थाईलैंड जाने में सिर्फ 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। पिछले साल 14 लाख भारतीय थाईलैंड गए और ये उससे पहले के साल से 18.2% ज़्यादा है। 2010 से थाईलैंड जाने वाले भारतीयों की संख्या हर वर्ष 10% बढ़ रही है। थाईलैंड आने वाले लोगों की संख्या में भारत 2017 में 5वें नंबर पे था और जबकि 2013 में 7वें नंबर पे था। अब सवाल आता है कि आखिर थाईलैंड भारतीयों को इतना क्यों भा रहा है। दोस्तों, न्यू दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। जो भारतीय अपने देश से फ्लाइट से सफ़र करते हैं उनके लिए बैंकॉक का किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आज की तारीख में 8 से 10 हज़ार के किराए में फ़्लाइट से बैंकॉक पहुंचा जा सकता है। थाईलैंड अपनी खूबसूरत बीच के लिए जाना जाता है। थाईलैंड के बीच की खूबसूरती भी दुनिया भर में लोगों को आकर्षित करती है। नज़दीक के साथ साथ सस्ता होने के कारण भारतीय थाईलैंड को खूब पसंद करते हैं। भारत का लोअर मिडिल क्लास यूरोप का खर्चा झेल नहीं सकता, ऐसे में थाईलैंड सही ऑप्शन के रूप में सामने आता है। आइए अब जानते हैं कि थाईलैंड जा रहे लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, भारत के साथ थाईलैंड का संस्कृति रिश्ता भी है। थाईलैंड के लोग बुद्ध धर्म का पालन करते हैं। ऐसे में भारत थाईलैंड के लिए कोई अजनबी देश नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया में एंटर करने के लिए थाईलैंड प्रमुख देश है। थाईलैंड के जरिए पूरे उपद्वीप का रास्ता घुमा जा सकता है। थाईलैंड में भारतीय दिसंबर से जुलाई महीने के बीच खूब आते हैं। भारतीयों में पीले पानी और समुद्र के किनारे सफ़ेद रेत को लेकर काफ़ी लगाव रहता है। भारतीयों के लिए थाईलैंड का वीज़ा पाना भी बहुत आसान है। यहाँ तक कि ऑनलाइन भी वीज़ा के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। भारत की गर्मी तड़पाने वाली होती है जबकि थाईलैंड में मौसम बिल्कुल अनुकूल होता है। अधिकतम तापमान 33 तक जाता है। भारतीयों को थाईलैंड का स्पाइसी स्ट्रीट फूड भी खूब पसंद आता है। भारतीय यहाँ आइसक्रीम और सी फूड जमकर खाते हैं। इसके अलावा बैंकॉक में कई बड़े बड़े बुद्ध मंदिर भी है। थाईलैंड टूरिस्ट वेबसाइट का कहना है कि बड़ी संख्या में भारतीय भी यहाँ आते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी सामने आई है और वो कड़वी सच्चाई ये है कि थाईलैंड टूरिस्ट वेबसाइट का कहना है कि बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ सेक्स टूरिज्म की चाहत में आते हैं। हालांकि इस वेबसाइट का कहना है कि भारतीय पुरुषों का इमेज थाईलैंड में ठीक नहीं है। वैसे थाईलैंड में ज़्यादातर भारतीय पुरुषों की छवि ये भी है कि ये गरीब मुल्क से है, इसलिए ज़्यादा पैसा लेकर नहीं आते हैं। खैर, जैसा भी इमेज हो, थाईलैंड जाना रुक नहीं रहा हमारे भारतीयों का। इस टॉपिक पर दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और घर में रहें।